नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ जोलॉजिकल नेम और बॉटनिकल नेम्स की। सो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है नेम्स हैं, तो इनको आपको एग्ज़ाम्स के लिए जो है बिल्कुल प्रिपेयर करना है अच्छे से। तो एक एक करके जो है लिखने की कोशिश कीजिएगा अगर लिख सकते हैं, और किसी को जल्दी लग रही है तो आप जो है इसको थोड़ा सा रोक सकते हैं वीडियो को, तो उसको देख सकते हैं। तो लिखने की कोशिश कीजिएगा इन जोलॉजिकल नेम्स को और बॉटनिकल नेम्स को, क्योंकि आपको बहुत कम जगह मिलेंगे। तो फर्स्ट चलते हैं जोलॉजिकल नेम्स के ऊपर। जो जोलॉजिकल नेम्स होते हैं आपके जोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, यानी एनिमल से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो इसका याद रखें, जो जोलॉजिकल नेम्स होते हैं उसका जो फर्स्ट कैपिटल होता है, फर्स्ट जो वर्ड होता है वो आपका जीनस होता है, सेकेंड जो होता है स्पीशीज़। तो जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो आपका कैपिटल होता है, जो स्पीशीज़ का जो फर्स्ट वर्ड होता है स्पीशीज़ का छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमन बींग्स का जो नाम है वो आपका होमो सेपियंस है। होमो का फर्स्ट जीनस और सेपियंस स्पीशीज़, तो होमो सेपियंस जो है आपका ह्यूमन बींग्स का नाम है। रिहेसस मंकी, रिहेसस मंकी का नाम है आपका मकाका मुलेटा। क्या नाम है? मकाका मुलेटा। हॉर्स का नाम है आपका इक्वस कैबेलस, इक्वस कैबेलस, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही कराऊँगा यहाँ पर। डॉग का नाम है आपका कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस, जो ये फैमिली जो है वो कैनिस फैमिली से आता है, ठीक है, कैनेडी फैमिली से आता है। जो कैट है आपके फेलिस फैमिली से आती है, फेलेडी फैमिली से आती है, तो फेलिस मैनिक्यूलेटा इसका नाम होता है। रेटस, रेटस रेट से रिलेटेड है, तो रेटस रेटस आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंडियन फ्रॉग होता है आपका उसको राना टिग्रिना बोलते हैं, जो ब्रिटिश फ्रॉग होता है आपका वो आपका राना एस्कुलेंटा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपसे पूछा जाता है। अमेरिकन कॉकरोच, अमेरिकन कॉकरोच पेरिप्लेनेटा, क्या बोलते हैं? पेरीप्लेनेटा बोलते हैं उसको, तो ये याद रखना है आपका। यहाँ पे आ गया पिजन, पिजन को बोलते हैं आपका कोलंबा लीविया, क्या बोलते हैं? कोलंबा लीविया। डक को क्या बोलते हैं? अनस इंडिकस, तो ये आपको याद रखना है। फिर आपके हाउस फ्लाई आ जाती है, जो नॉर्मल फ्लाई होती है उसको बोलते हैं मुस्का डोमेस्टिका। फिर आपकी एस्केरिस आ जाती है, जो लुम्ब्रिकॉइड्स होती है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, तो एस्केरिस मिगेलोसिफेला बोलते हैं उसका साइंटिफिक नेम, जो जोलॉजिकल नेम है। तो फिर आपकी हनी भी आती है, जिससे आपको हनी मिलता है, तो वो एपिस इंडिका भी है जो इंडियन है, एपिस मेलिफेरा भी है जो आपकी फॉरनर है, और एपिस डॉर्सेटा भी जो आपकी इंडियन है। तो ये याद रखना, ये तीन नाम से आपके हनी भी के। फिर आता है सिल्क मोथ, सिल्क मोथ जो है आपकी बॉम्बिक्स मोराई, उसका जो है साइंटिफिक नेम है, जूलॉजिकल नेम है सिल्क मोथ का बॉम्बिक्स मोराई। फिर आपकी आती है फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगस्टर, जिसके ऊपर आपका मॉर्गन ने स्टडी किया था, तो वो वाला ड्रोसोफिला है, तो उसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो ये थे आपके जूलॉजिकल नेम्स। उसके बाद आप चलते हैं बॉटनिकल नेम्स की, और बॉटनिकल नेम्स यानी कि बॉटनी से रिलेटेड, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड। सो देखिए यहाँ पे जो आपका कैबेज का नाम है वो आपका ब्रासिका ओलेरेसी, तो ये ब्रासिकेसी फैमिली से आती है, ये चीज़ याद रखनी है। येल्लो पाइन, पाइन से रिलेटेड आपको याद रखना है कि पाइनस पोंडेरोसा, पेंडोरोसा, पोंडेरोसा, ठीक है। तो रेडिश, रेडिश को बोलते हैं हम रेफिनस सटाइवस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम्स हैं आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपका आता है कॉटन, गोसिपियम हिरसुटम, जो कॉटन होती है, कॉटन कहाँ उगाई जाती है? मैक्स मेनली जो है ब्लैक सॉइल में होती है ये, और गुजरात में उगाई जाती है ज़्यादा। और जो गोल्डन फाइबर होता है यानी कि जूट, वो भी आपका ब्लैक सॉइल में होता है, लेकिन आपका वो वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है, तो ये याद रखना है। एप्पल, एप्पल को बोलते हैं मेलस सिल्वेस्ट्रिस, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एप्पल का पूछा जा चुका है एग्ज़ाम्स में। सो यहाँ पे याद रखें पी, पाइसम सेटिवम, मैंने आपसे कल भी पूछा था कि पाइसम सेटिवम किसको बोलते हैं, वो पी को बोलते हैं। स्वीट पी, जो स्वीट पी होता है वो आपका लेथिरस ओडोरेटस, उसको बोलते हैं हम। जो आपका सनफ्लावर होता है उसको हेलियंथस एनस बोलते हैं, बॉटनिकल नेम उसका हेलियंथस एनस है। टोबैको जो होता है आपका, वो आपका होता है आपका निकोटियाना टबैकम, निकोटियाना टोबैकम होता है वो। और उसी तरह से जो पोटैटो होता है वो सोलेनेसी फैमिली का होता है, और उसको बोलते हैं सोलेनम ट्रिब्यूरेसम, ट्रिब्यूरेसम, ठीक है। तो ये आपके बॉटनिकल नेम्स थे। तो यहाँ पे कॉर्न है, जो कॉर्न होती है आपकी उसको बोलते हैं मेज, यानी कि जी मेज उसका बॉटनिकल नेम है, ठीक है। जो आपके कॉर्नफ्लेक्स वगैरह आते हैं किससे बनते हैं? आपके मेज से ही बनते हैं, मक्की से ही बनते हैं। अनियन हो गया आपका, अनियन आपका एलियम सीपा से बनता है, यानी एलियम सीपा उसका बॉटनिकल नेम है, ठीक है। बार्ले जो है आपका, बार्ले जो है वो आपका होर्डियम वल्गेर, उसका बॉटनिकल नेम है।
वीट ब्रेड जो है आपका वो ट्रिटिकम वल्गेर उसका बॉटनिकल नेम है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपका राइस आ जाता है, राइस जो है आपका ओरेजा सेटावा इसका नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के वीडियो में बॉटनिकल और जोलॉजिकल नेम्स मैंने करवाए हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट बॉटनिकल एंड जोलॉजिकल नेम्स थे आपको, ठीक है, आपको ये लर्न करने हैं और आपको जो है मेरे साथ जुड़े रहना है मेरे चैनल पे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेगा अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।